हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंचलो। माय नेम इज गौरीश एंड आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा एक प्रॉपर आइडियल टाइम टेबल दैट यू शुड बी फॉलोइंग इफ यू आर गिविंग योर नीट। तो चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th में हो या इवन ड्रॉपर हो, आज के वीडियो से आपको प्रॉपरली समझ में आएगा हाउ यू शुड प्लान योर टाइम टेबल एंड हाउ यू शुड इम्प्लीमेंट इट। और आपको ये सब बात मेरे से क्यों सुननी चाहिए? वेल, आई गॉट 645 मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ माई नीट, विच वॉज इन नीट 2021 एंड दैट ऑल्सो आई डिड विद अ, एंड वो भी मैं खुद को मानता हूं कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूं, एंड दैट ऑल्सो आई वॉज एबल टू गेट ओनली बाय स्टडिंग सम 8 to 9 मंथ्स इन 12th स्टैंडर्ड। मैंने पूरा 11th वेस्ट किया, मैंने 12th के कुछ इनिशियल मंथ्स वेस्ट किए, मैंने प्रॉपरली स्टडी किया लास्ट के 8 मंथ में एंड आई वॉज एबल टू गेट सच अ स्कोर। सो देयरफॉर यू शुड लिसन टू मी एंड फॉलो द टाइम टेबल। आई थिंक द नंबर वन पॉइंट दैट वी ऑल शुड टेक इन माइंड व्हाइल मेकिंग टाइम टेबल इज कि कभी भी टाइम टेबल को ऐसे मत करो कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, घंटों के हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को नहीं बना सकते हो। आपको अपना टाइम टेबल सिलेबस के हिसाब से बनाना चाहिए कि आज मैं 2 बायोलॉजी के चैप्टर, 1 फिजिक्स का चैप्टर, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन करूंगा। इफ यू मेक टाइम टेबल इन सच अ वे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, वेदर इट टेक 8 hours और 10 hours और 12 hours, डजंट रियली मैटर। क्योंकि आप 12 घंटे का टारगेट बना भी ले, लेकिन अगर आप वो 12 hours में टाइम पास कर रहे हो और मेजोरिटी आवर्स बर्बाद कर रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। माई फेवरेट टीम इन IPL इज मुंबई इंडियंस एंड उसमें रोहित शर्मा हम सबको पता है कि रोहित शर्मा कैप्टन है, और जब वो फील्ड पे जाते तब वो ये नहीं सोचते कि हम मैच 3 घंटे चलाएंगे या 4 घंटे चलाएंगे, वो सोचते कि हमको इतने रन बनाने हैं, इतने रन का टारगेट ओपोनेंट को देना है या फिर इतने रन बना के हमको जीतना है। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। अगर आप भी JEE और नीट के स्टूडेंट हो और आप भी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, देन लेट मी टेल यू दैट इन्फिनिटी लर्न इज फॉर यू। इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन फाइंड वाइड रेंज ऑफ फ्री स्टडी मटेरियल टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देने आ रहे हैं मेरे फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा। आई स्वेयर गाइस, रोहित हैज लेजिट चेंज्ड दैट डे। मेघना, मुझे याद है तुम पहले खुद कितना कुछ सीखती रहती थी, कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ लर्न जर्नी? डिटॉक्स जर्नी के बारे में सुना है, स्पिरिचुअल जर्नी भी, व्हाट इज सेल्फ लर्न जर्नी? कीड़ा बन के पेड़ा मत खाओ, सेल्फ लर्न मतलब सेल्फ लर्न, और इन्फिनिटी लर्न पे स्टूडेंट्स का सेल्फ लर्न नेक्स्ट लेवल। लॉल, फ्लैश कार्ड्स, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट वीडियोस, खुद पढ़ के सीखने का सबसे ऑर्गेनाइज तरीका। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मेघना, पेड़ा बन के पेड़ा मत खा। नॉट जस्ट दैट बाबा, फ्लैश कार्ड्स, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट और उनके पर्सनलाइज रिपोर्ट्स। करो सक्सेस की प्रिपरेशन विद इन्फिनिटी लर्न। काफी कूल ऐप है। थैंक यू रोहित जी, और आपके लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। Answer a very simple question and win a chance to get merchandise signed by Rohit Sharma himself. The link of the question will be in the description box below. तो गाइज, मैं सुबह 7 बजे तक उठ जाता था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टॉपर स्टूडेंट जो एकदम 5:30 बजे या फिर 4 बजे भी उठे। मैं 7 बजे उठने के बाद ही तुरंत पढ़ाई करने शुरू हो जाता था। यू नो, आई बिलीव दैट वंस यू वेकअप इन द मॉर्निंग यू शुड स्टार्ट स्टडिंग इमीजिएटली, क्योंकि आप बहुत फ्रेश रहते हो उस टाइम पे। वो फ्रेश माइंड से मैं पढ़ना शुरू हो जाता था एंड मैं 3 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ता था, और वो 3 घंटों में मैं एक्चुअली पूरे दिन के मुकाबले भी ज्यादा पढ़ लेता था, बिकॉज आई यूज टू बी रियली फ्रेश ड्यूरिंग दैट टाइम। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे, एंड ऑलवेज डू लाइक यू नो वॉट दे से दैट ईट द फ्रॉग, इफ यू हैव टू ईट द फ्रॉग देन ईट इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो वो मैं करता था कि आई यूज टू कंप्लीट द यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इन द एंटायर डे इन द फर्स्ट 3 hours ऑफ मॉर्निंग, एंड दैट यूज टू गिव मी रियली रियली गुड थिंग। सो 7 to 10 आई यूज टू स्टडी। फिर उसके बाद 10 बजे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ले लेता था, फिर मैं 11 to 12:30 तक फिर से पढ़ता था। फिर उसके बाद मैं आई यूज टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प मी इन ड्यूरिंग द होल नीट जर्नी, बिकॉज मेरे टाइम पे कोविड था एंड समथिंग टू कीप मी मेंटली एंड फिजिकली फिट, आई यूज टू डू योगा। एक थोड़ा नॉर्मल बेसिस पे योगा और थोड़ा मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन सच अ सराउंडिंग दैट इज यू नो
देर इज सोशल मीडिया, देर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन, एंजाइटी, प्रेशर, सब कुछ. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ लिटिल बिट ऑफ लाइक नॉर्मल योगा एंड मेडिटेशन. फिर मैं शार लेके लंच करता था. एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि चाहे आप कितने भी बजे उठो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप 2 to 5 स्लॉट ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड टू स्टडी. यू हैव टू नो दैट 2 से 5 के बीच में ही आपकी नीट की एग्जाम होगी एंड उस टाइम पे आपका फोकस एकदम 100% होना चाहिए. आपकी इफिशियंसी एकदम 100% होनी ही चाहिए एंड दैट्स व्हाई यू शुड कीप 2 to 5 ओनली एंड ओनली फॉर स्टडी. उसमें आपको मॉनिटर करना है कि आप सोने की आदत मत डालो, आप चाय वगैरह पीने की भी आदत मत डालो, चाय या कॉफी या एनीथिंग एट ऑल. इनफैक्ट यू नो वन ऑफ माई सीनियर यूज टू से दैट यू शुड सिट ड्यूरिंग 2 to 5 इन सच अ वे दैट यू डोंट इवन रिक्वायर टू गो टू बाथरूम. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे. फिर 5 से करीब 5:30 या 6 बजे तक मैं ब्रेक लेता था. यूजुअली यूज टू वॉच यूट्यूब ओनली ड्यूरिंग द ब्रेक एंड आई अज्यूम दैट यू मस्ट बी वॉचिंग मी ड्यूरिंग योर ब्रेक एज वेल. फिर उसके बाद मैं 6 बजे के बाद मैं अपनी कोचिंग के क्लासेस में जाता था. मेरे टाइम पे 11th मेरी ऑफलाइन हुई और 12th ऑनलाइन हुई, तो मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स भी आई टू शेड्यूल इन सच अ वे दैट इट इज ड्यूरिंग द नाइट टाइम सो दैट आई डोंट वेस्ट माय मॉर्निंग का एफिशिएंसी आवर्स इन गोइंग टू कोचिंग एंड वो सब कोचिंग में काम करने और आइडियली बैठने से. सो आई यूज टू शेड्यूल इट इन सच अ वे दैट वो नाइट के राइट टाइम में जब मैं एकदम थक गया हूं तभी मेरे वो लेक्चर्स खत्म हो जाए. फिर उसके बाद मैं करीब 9 बजे डिनर करके शाम को द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड डू इज टू 100% रिवाइज वॉट एवर हैज बीन टॉट ड्यूरिंग योर कोचिंग. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे. इफ यू डू नॉट रिवाइज वॉट एवर हैज बीन टॉट दैट डे ड्यूरिंग कोचिंग देन लेट मी टेल यू आपका कोचिंग जाने का ही कोई फायदा नहीं रहता है. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो फ्रेश जब आपके दिमाग में हो तभी आप उसको यू नो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर ले अपने माइंड में एंड तभी आपको वो फिक्स अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने की कोशिश करें ताकि अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा. फिर उसके बाद करीब यू नो 11:30 और समटाइम 12 आई यूज टू स्लीप. आई यूज टू वॉच 1 hour डेफिनेटली यूट्यूब ड्यूरिंग नाइट टाइम एज वेल. आई यूज टू लिसन टू सॉन्ग्स, यू नो डू अ लिटिल बिट ऑफ मे बी स्किन केयर और वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एंड आई यूज टू गो टू स्लीप. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अबाउट 8 to 9 hours ऑफ स्लीप एवरी सिंगल डे. आई अंडरस्टैंड कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है समटाइम वेन यू आर स्लीपिंग यू फील वेरी गिल्टी दैट यू हैव वेस्टेड अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रेस्ट योर माइंड, यू रेस्ट योर कंप्लीट बॉडी एंड स्लीपिंग इज अ मस्ट. यू नो स्लीप 8 to 9 hours अ डे एंड इफ यू आर रिड्यूसिंग इट इन सम मंथ्स बिफोर नीट, अगर आप आपके स्लीप को रिड्यूस भी कर रहे हो देन मेक श्योर दैट यू डोंट रिड्यूस इट मोर देन 6 hours. That is all for today's guys. I hope you learn from these tips and tricks and do like, comment, share and subscribe to my channel Kunchlo and follow for more.